महोबा जिले के बजरिया मोहल्ले के राकेश आल्हा चौक के जनरल स्टोर में काम करता था। राकेश का आरोप है कि अपनी तनख्वाह के पैसे मांगने पर दुकान मालिक और उसके कर्मियों ने मुझे बुरी तरह पीटा और बेहोशी की हालत में रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया, जबकि दुकानदार ने यह कहकर बात टाली कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल इस मामले की पुलिस जाँच कर रही है। पैसे मंगाए थे, महीना हो गया था तो पैसे मंगाए, उसके मारा है उसने, क्या पैसे नहीं देंगे, मारा तो दिए नहीं, जब मारा है शटर बंद कर। कितने लोग थे? तीन लोग थे, नरेश, अतुल, गप्पू, एक मालिक है, उसे नौकर है। आपका कितना रुपए होता है? 2500 सैलरी है। 2500 इसका महीना हो गया, इसने पैसे मांगे तो उसने पैसे नहीं दिए, उससे दस्तखत करवा लिए कि हम चोरी के इल्जाम में लगा रहा, तू दस्तखत कर, उससे जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया, दस्तखत करवा लिए, मार के पीछे रेलवे स्टेशन के बाहर फेंक के चले गए। हमें तब पता 11 बजे पता चला जब पुलिस ने फोन लगाया कि ये तो, तब पता चला कि ये तो हमारा लड़का, जब अस्पताल में आ गया तब हम लोग आए। फिर बाद में हाथ में फ्रैक्चर है, टूट गया दो जगह से, हड्डी टूट गई तो, और पैर में भी चोट आई, अभी उसका एक्सरे होगा तब पता चलेगा कि मतलब टूटा है कि फ्रैक्चर क्या है उसमें पैर में भी। आपको किसी ने बताया कि क्या हुआ आपकी दुकान में कल? सुनने में आया मेरे को, पर उस व्यक्ति का तो आरोप है कि आप भी उसमें शामिल थे। रिकॉर्डिंग देख लो, मेरे पास सीसीटीवी कैमरे लगे, आप देख लो। मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं तो से आया हूँ बाहर से। क्या रात में जब ये मामला हुआ तब कहाँ थे आप? मैं बाहर गया था। कौन था यहाँ पर लड़के थे? तो कौन थे? तो वो लड़के नहीं आए क्या? आप उससे मिले हैं जाके? अभी नहीं मिला, अभी आ गया सीधे। कमलेश ने मारा पीटा अपने नौकर चोरी के आरोप में, तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। अब धारा तो हमने देखा नहीं है, लेकिन ये इंस्पेक्टर साहब से हमारी कल बात हुई थी, उन्होंने कहा हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है कमलेश के विरुद्ध। तो उसमें एक ही लोग के खिलाफ लिखा गया है क्योंकि वो तीन लोगों के खिलाफ बोल रहा था। अब ये हमारे पास न शिकायत आई है न आप बता रही है, तो मैं अपनी जानकारी करूंगा एक के खिलाफ या तीन के खिलाफ।